नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से कर्ण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आज मैं आपसे किसी करंट टॉपिक पर चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। आज मैं आपको एक स्पेशली एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, और आप मेरे इन्फॉर्मेशन से समझ गए होंगे कि ये क्या इन्फॉर्मेशन है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि राजस्थान सरकार ने ये डिसीज़न लिया है कि कोरोना वायरस के फैलाव से बचने के लिए सिनेमा हॉल, स्कूल्स, जिम और कोचिंग सेंटर व अन्य ऐसे संस्थान जहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, जहाँ पर लोग ज़्यादा एकत्रित होते हैं, उनको छुट्टी दी गई है 30 मार्च तक। 30 मार्च तक ये सभी बंद रहेंगे, और ये तब तक बंद रहेंगे जब तक कि सरकार का आगामी आदेश नहीं आ जाता। और इस संबंध में अब आपसे ये गुजारिश की जाती है कि हमारा संस्थान अब मंडे से सरकार के आगामी आदेश तक बंद रहेगा। जब सरकार जैसे ही आदेश देती है उसके बाद तक बंद रहेगा, और सरकार के आदेश की पालना करना हमारे लिए आवश्यक भी है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। और इसी नैतिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए राकेश मेहरा जी के क्लासेस की दोनों ब्रांचेज में एक अनिश्चित काल तक अवकाश रहेगा। अनिश्चित काल का मतलब यहाँ से ये है सरकार के आदेश तक। जब सरकार जैसे ही हमें आदेश दे देगी तो हम सुचारू रूप से अपनी प्रक्रिया को, जैसे सिस्टमेटिक चलता है, उसको वापस प्रारंभ कर देंगे। तो इस दरमियान आपको बहुत ही संयम से काम लेना है, और कोरोना वायरस जो कि एक महामारी का रूप लेता जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका, स्पेन जैसे देशों ने इसको राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा कर दी है। और आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा कि भारत सरकार ने भी इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। वैसे तो अपने आप में ये आपके लिए एक सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है और इसको काफ़ी विस्तार से हमें समझना पड़ेगा, लेकिन वो मैं अलग बात करूँगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको छुट्टी की सूचना देने जा रहा हूँ। तो अपना इंस्टीट्यूट में अवकाश रहेगा सरकार के आगामी आदेश तक। अब इस दरमियान मैं आपको कुछ हिदायतें भी देना चाहूँगा, और कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि सजेशन देना चाहूँगा। एक तो कोरोना वायरस से बचाव के लिए आप अग्रसर रहें। मेरे कहने का मतलब ये है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, अपने घर पर रहें, यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा टालें। और दूसरी बात ये है कि देखिए, भारतीयों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीयों के इम्यून सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा है अन्य देशों की तुलना में। तो हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और घबराने से किसी समस्या का इलाज भी नहीं होता है। तो थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए बेखौफ रहें, और सामान्य जनजीवन जो हमें चलता है उनमें कुछ सावधानियों को लेते हुए अपने स्टडी को अग्रसर रखें। स्टडी को बिल्कुल ही आप नेगलेक्ट ना करें, और मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। चाहे इस दरमियान आप अपने पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, और जैसे ही हम आगामी ऑर्डर के बाद जब क्लासेस चालू करेंगे उसमें फिर आप मुख्य धारा में डेली रूटीन के साथ शामिल हो सकते हैं, और आपको बिल्कुल नया लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी जीवन में ऐसी उलझने होती है कि जैसे हम कहते हैं कि हम पढ़ेंगे और पढ़ नहीं पाते हैं, रिवाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को, और जो ये डेली हमारा वीडियो देखते हैं, इनको मैं सजेशन करूँगा कि जितना भी जो भी मटेरियल मैंने आपको दिया है उसको रिवाइज़ करें, उसको बार बार पढ़ें। और फिर जैसे ही हम क्लासेज स्टार्ट करेंगे तब जो नया होगा वो आपके लिए फिर एक मुख्य धारा में शामिल होने जैसा होगा। कहते हैं ना, जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है तो हम ये कहते हैं कि अब मैं शुरू से पढ़ूंगा। हम ये कहते हैं जब हमारी किसी क्लास का रिजल्ट आता है, हमारा रिजल्ट चाहे अच्छा हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बुरा हो, लेकिन हम एक फिनोमेना अपने दिमाग में रखते हैं कि हम अब से पढ़ेंगे और अब मैं रेगुलर पढ़ूंगा।
तो अब जो आगामी कक्षाएं राकेश मेहरा जी के क्लासेज में स्टार्ट होगी वो आपके लिए इस तरीके से साबित हो सकती है, बशर्ते आप इस दरमियान अपने हर प्रत्येक टॉपिक को, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे अन्य जीके का या अन्य किसी भी सब्जेक्ट का, उसको आप रिवाइज कीजिए। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और इस तरीके का सजेशन भी देना पसंद करूँगा। नेक्स्ट मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, अब मैं आपको, क्योंकि देखो हम तो टीचर हैं और जब तक पढ़ाएंगे नहीं तो हमारे लिए तो खाने जैसा सिस्टम होता है। अब मैं आपको ये जो वीडियो अवेलेबल कराता हूँ ये थोड़े मैं बड़े उपलब्ध करवाऊँगा, और जो भी मैं अपडेट कर रहा हूँ आपको, आप साथ साथ उनको अपडेट करते जाइए। सही मायने में कहूँ तो ये जो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि हम आपके लिए नई नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं और आपको नई नई चीज़ों से अवगत करवा सकते हैं। तो इन अब जो भी आपके सामने जो वीडियो आएंगे उनको आप घर बैठे अच्छे तरीके से उनको उतारें, उनको राइट डाउन करें और उनको साथ साथ रिवाइज करते जाएं। जैसे हम किसी भी चीज़ को अपडेट कराएं, जैसे कोरोना वायरस के बारे में मैं अपडेट कराऊंगा, आपको अपडेट कराऊंगा, तो उसको अपडेट करते जाएं। और जैसे कोई भी नेशनल मोमेंट है या हिस्ट्री का कोई भी पॉइंट है, यदि वो हमसे कोई छूट गया है तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करा दूंगा। तो दोस्तों इस सूचना के बाद अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, और ये ध्यान रखें कि अपनी स्टडी को सुचारू रूप से रखें, और मैं आपसे एक टीचर होने के नाते सहयोग की पूरी अपील करता हूँ। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके सहयोग से ही मैं मोटिवेट होऊंगा और एक नई नई चीज़ें आपके लिए ढूंढ पाऊंगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।